हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वर्ट एजुकेशन क्लासेज। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह भारत में कला के कितने विद्यालय हैं और कौन कौन से हैं और किस स्थान पे हैं और इसकी स्थापना किस सन में हुई है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है कला शिक्षा का प्रमुख केंद्र, कला शिक्षा का केंद्र। आज हम लोग कला के सारे जितने पूरे देश में जितने विद्यालय हैं आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम दोनों ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 9:30 बजे क्विज होता है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला जो विद्यालय है कला का, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, यह कहाँ पे है? चेन्नई। कहाँ पे है? चेन्नई में। यह किस सन में इसकी स्थापना हुई थी? यह 1850 में इसकी स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई की 1850 में स्थापना हुई। जो कला का दूसरा विद्यालय है वह है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता, इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक, देखिए ये दोनों नाम सेम है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एक चेन्नई में है एक कोलकाता। अगर चेन्नई की बात करें तो 1850 में, अगर कोलकाता की बात करें कलकत्ता पश्चिम बंगाल की तो 1854 में। जो तीसरा विद्यालय है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, यह कहाँ है? मुंबई में। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट यह मुंबई में है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1857 ईस्वी में हुई थी। अगला जो विद्यालय चौथा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, यह कहाँ है? राजस्थान में ही, जयपुर। इसकी स्थापना जो हुई यह भी 1857 ईस्वी में हुई थी, 1857। जो पांचवा विद्यालय है मियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ठीक, मियो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स यह लाहौर में है, पाकिस्तान में। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, 1875 में। और छठा जो विद्यालय है कला भवन शांति निकेतन, जो बीरभूम, यह बीरभूम क्या है? यह पश्चिम बंगाल का एक जिला है, बीरभूम में है। बीरभूम कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कला भवन शांति निकेतन जो है यह बीरभूम जिले में है, पश्चिम बंगाल में, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सातवां जो विद्यालय सेवन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स यह कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आठवां जो विद्यालय है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स यह लखनऊ में है, इसकी जो स्थापना हुई है 1911 ईस्वी में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। जो नौवां विद्यालय है शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट यह नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना सन 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक, दसवां जो विद्यालय है कला का वह है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, यह कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। ठीक, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट तिरुवनंतपुरम केरल, तो 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो विद्यालय है 11वां, चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली जयपुर, मतलब वनस्थली एक स्थान है यह जयपुर में है, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ पीठ की बात करें तो जो 12वां विद्यालय है कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई, कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई, इसकी नहीं सॉरी
कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। कब? 1942 ईस्वी में। 13वां जो विद्यालय है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स AMES विश्वविद्यालय बड़ोदरा। देखिए, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स AMES विश्वविद्यालय बड़ोदरा, यह 1950 ईस्वी में, बड़ोदरा मतलब गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14वां जो विद्यालय है वह कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स कर्नाटक चित्रकार परिषद बंगलौर। ठीक, जो अगला विद्यालय है कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट कर्नाटक चित्रकार परिषद बंगलौर में है। ठीक, 15वां जो विद्यालय है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ हरियाणा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स या इसकी स्थापना चंडीगढ़ 1962 ईस्वी में हुई थी। 16वां जो कला का विद्यालय है ललित कला संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। 17वां जो विद्यालय है वह चित्रकला विभाग मोहनलाल सुखटिया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान, चित्रकला विभाग मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 ईस्वी में, मतलब 1965 में। 18वां विद्यालय है रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, इसकी जो स्थापना की गई 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अब अगला देखते हैं, अगला जो विश्वविद्यालय है 19वां विश्वविद्यालय कला का ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। देखिए, ललित कला संकाय जो है इतना जो है कला के क्षेत्र में है, लेकिन यह कहाँ पर स्थापित की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसे स्थापित कर दिया गया है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20वां जो विद्यालय है गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट पणजी गोवा, यह गोवा में है पणजी। 21 कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तंजौर, तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तंजौर, यह तमिलनाडु में है। 22वां आइडियल फाइन आर्ट्स सोसाइटी गुलबर्ग, गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक दक्षिण में। आइडियल फाइन आर्ट सोसाइटी गुलबर्ग कर्नाटक। 23 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। 24 इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, यह कहाँ है? श्रीनगर जम्मू में। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट श्रीनगर। 25 फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। देखिए, इतना जो है ये विद्यालय का नाम है आर्ट्स का। ये कुछ तो ऐसे विद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिए गए हैं, उसी में जोड़ दिए गए हैं, तो ऐसे ये भी है। अब 26 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स ग्वालियर। ठीक, 27 CN कॉलेज ऑफ आर्ट्स, यह अहमदाबाद गुजरात में है। CN कॉलेज ऑफ आर्ट्स। कुछ विद्यालय 28 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पालडी अहमदाबाद, यह भी गुजरात में है पालडी,
इसकी स्थापना जो हुई 1961 ईस्वी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन पाल्डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29, जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, यह कहाँ है? मुंबई में। जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स मुंबई में है। 30 है, एल एस रोहजा स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, एल एस रोहजा स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है। 31, आचार चित्रकला भवन बंगलौर, यह कहाँ है? कर्नाटक में, आचार चित्रकला भवन बंगलौर। 32, सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैदराबाद, सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। 33, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। 34 नंबर, 34, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में है। 35, 35, विजय फाइन आर्ट्स सोसाइटी, विजय कला मंदिर जिसे कहते हैं, यह कहाँ है? गडक, गडक मतलब कर्नाटक साउथ में है। विजय फाइन आर्ट सोसाइटी, इसी को विजय कला मंदिर भी कहते हैं। 36, 36, ललित कला संकाय दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, ठीक, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 37 है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़। अब आइए अगला देखते हैं, 38 है, अरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कोलकाता, अरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कोलकाता, यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 39 है, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स पटना, यह कहाँ पे है? बिहार में है। 41, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अगरतला त्रिपुरा, ठीक, कॉलेज। और 42, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यह कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। 43, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ललित कला संकाय अजमेर राजस्थान में है, ठीक, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ललित कला संकाय अजमेर राजस्थान, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 44 है, राजकीय ललित कला महाविद्यालय पटना बिहार में है। फिर 45, राजकीय ललित कला विश्वविद्यालय पटना बिहार में है, ठीक। और 46, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर की। 47 है, गढ़ी कलाकार परिसर, यह नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी, 1976। जो 48 है, जवाहर कला केंद्र जयपुर राजस्थान में है, जवाहर कला केंद्र, इसकी स्थापना 1993 मतलब 1993 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। अब अगला जो है 49, मोहिले पारीख सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट्स मुंबई, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी, ठीक। और भारत भवन भोपाल एमपी, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। टोटल जितने भारत में जितने भी कला के विद्यालय हैं उसको हम टोटल करके आज हमने
बता दिया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आप लोग कमेंट के जरिए से बताइए यह टॉपिक आप लोग को कैसा लगा। ठीक, तो आज यहीं तक। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद।